वेलकम बैक गाइस, टाइम फॉर अनदर एक्साइटिंग ओल्ड इज गोल्ड टैग। और आज मैं आपको ऐसी बहुत ही अमेजिंग फोन दिखाने वाला हूँ जो बोथ फीचर्स एंड प्राइसिंग में सीरियसली बहुत ही एक्साइटिंग है। आई बिलीव मार्च में जब मैं पुलिस से अंडरग्राउंड था, सीरियसली जब मैं पुलिस अंडरग्राउंड होके बहुत से प्लेसेस में हाइड कर रहा था, तो मैं सोनी का एक फ़ोन कैरी कर रहा था, एक्सपेरिमेंट मार्क 3, जो मैंने लास्ट टाइम ट्राई किया था ओल्ड इज गोल्ड टैग में। वो फ़ोन जिस प्राइस से मिले था आई बिलीव 15,000 के आसपास में, बहुत ही अमेजिंग फोन था। और आज का फोन भी गाइस आई बेट यू ऐसे बहुत ही कमाल का फोन है। रिसेंटली मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था जब मैकबुक प्रो M1 बाय करने गए थे ऑफलाइन मार्केट में, वहां पे मैंने उसी शॉप से आईफोन 12 बाय किया था 17,000 में। तो कई बार ही देख चुके हैं, लेकिन जब मैं वापस आ रहा था तो उसी मार्केट में मुझे कुछ और शॉप्स मिली जो बाहर से प्रोडक्ट इंपोर्ट करके इंडिया में लाते हैं, यानी कि वो फोन्स जो इंडिया में लॉन्च नहीं हुए होते हैं लेकिन बाद में मिलने लगते हैं अनऑफिशियली। जैसे कि मैंने आपको गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा 5G दिखाया था और उसी मार्केट में मुझे यही फोन फिर से दिखाई पड़ गया, और ये फोन है गाइस सोनी एक्सपीरिया 1 Mark 4। एट द फर्स्ट अगर आप फोन देखेंगे तो आपको ऑफकोर्स थोड़ा सा टॉलर फील होगा, बट अगर हम S24 अल्ट्रा के साथ देखें तो आप देखोगे एग्जैक्टली फोन की हाइट है वो सेम है। ऑफकोर्स फोन ज़्यादा वाइडर नहीं है, दैट मेक्स दिस फोन सीरियसली वेरी एक्साइटिंग, बिकॉज आप इस फोन को बड़ी आसानी से कैरी कर सकते हैं फॉर दी लॉन्गर सेशन के लिए। राउंडेड कर्व्स दिए गए हैं, एजेस हैं, ऑन दी अदर स्टफ में आपको यहाँ पे एल्युमिनियम का फ्रेम दिया जाता है एंड बटन्स बहुत सारे मिलेंगे, वॉल्यूम बटन, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है और डेडिकेटेड कैमरा बटन दिया गया है। एंड अदर स्टफ टाइप सी है, लेकिन इस फोन में जो सिम निकालने का स्टफ है बहुत ही अच्छा है। इस फोन में आपको मिलता है हेडफोन जैक, क्रेजी कातिल वाली आवाज आती है। अभी मैं आपको डेमो दिखाता हूं, आपको खुश हो जाएगा। सो फोन बहुत ही अच्छा है, कंफर्टेबल है यूज करने में। इनफैक्ट मैंने ज्यादातर टाइम में यही कोशिश की कि मैं इसको ना यूज करके इसको यूज क्यों। आपको यहाँ पे फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स मिलते हैं, अभी भी फ्रंट फायरिंग स्पीकर रिमेंबर, इसको देख के मुझे नेक्सस 6 की याद आती थी। एक्सपीरिया ओनली लाइनअप फोन है जिसमें आपको 4K डिस्प्ले मिलता है। नॉट जस्ट दैट, ये डिस्प्ले तो देखो 4K तो सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पे आप ऐसा नहीं कि आप चाहो तो ऑलवेज 4K में चलाओ, यहाँ पे आप डिस्प्ले की इमेज क्वालिटी चेंज कर सकते हैं आप, और आप स्टैंडर्ड मोड लगाएंगे आपको थोड़ा सा वाइडर कलर गैमेट मिलेगा जो आपको मोर वाइब्रेंट शॉट दिखाएगा। क्रिएटर मोड में क्या है कि वो डिस्प्ले कंटेंट के हिसाब से अपने आप कलर वलर चेंज करता रहता। तो कलर की समरी बताऊँ, ऑफकोर्स आपको उतना वाइब्रेंट नज़र नहीं आएगा कंपेयर टू अदर फोन्स के जो आजकल के होते हैं, बट 4K डिस्प्ले का गाइस एडवांटेज बहुत ही आता है। आई थिंक एक्सपीरिया मार्क 4 में ये प्रॉब्लम मुझे एकदम नहीं लगी, जो प्रीवियस एक्सपीरिया फोन लग रही थी वो थी बैटरी ड्रेन की। अगर आप 4K में चलाते हैं तो बैटरी बहुत ज़्यादा घुस जाती थी, तो आप किसी भी OTT पे जाएंगे आप 4K के कंटेंट 4K में ही देख पाएंगे विद दी HDR10+ सर्टिफिकेशन ऑल द प्लेटफॉर्म। ऑन दी अदर बेसिक स्टफ में यहाँ पे आपको 120Hz का डिस्प्ले तो मिलेगा, एक्सपेक्ट रेशियो का 21:9 जो कि थोड़ा सा आपका टॉलर मान सकते हैं। डिस्प्ले आई थिंक अभी भी बहुत ही जलवेदार है, ब्राइटनेस इसकी काफ़ी ज़्यादा होगी कंपेयर टू मार्क 3 के। अब आप आसानी से इंडोर आउटडोर में कंटेंट को बड़े आसानी से देख सकते हैं विदाउट एनी हैसल, विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो इस फोन में 8 Gen 1 दिया गया है जिसके बोथ प्रोज एंड कॉन्स हैं। देखो जितने भी फोन मैंने 8 Gen 1 के ट्राई किए, जैसे कि Xiaomi 12 Pro ट्राई किया था और सैमसंग S22 सीरीज था, 8 Gen 1 वैसे देखो फ्लैगशिप लेवल का था, लेकिन जब मैंने उसको 2 साल बाद ही उस CPU को ट्राई किया तो फोन थोड़ा सा लैगी लगता था। नो मैटर, हो सकता है रॉम बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये फोन सीरियसली बहुत ही फ्लूइड था। मैंने जितना भी इसको यूज़ किया 8 Gen 1 के थ्रू, तो फोन बहुत ही फास्ट एंड फ्लूइड। हाँ, अभी भी वो प्रॉब्लम है बिकॉज वो रूट कॉज में थी, वो दी गई हीटिंग की, यानी कि अगर फोन थोड़ा सा प्रो मोड में ज़्यादा यूज़ करने लगेंगे, जैसे कि हमारे इंस्टेंस में हमने गेमिंग की, तो गेमिंग तो चल अच्छी रही, आप 60 FPS चला सकते हैं BGMI, उससे ज़्यादा सपोर्ट नहीं, लेकिन आप जैसे आधे घंटे से ज़्यादा प्ले करेंगे तो फ़ोन में हीटिंग दिखाई पड़ने लगती है। बाकी यहाँ पे गेम इन्हेंसर भी दिया गया है जो आपको थोड़ा सा चेंज कर देता है, जैसे सारी कंपनीज करती हैं, फ्रेम बढ़ा दिया, थोड़ा पावर ऑटोमेशन कर दिया, इसे बहुत तरह की चीज़ें हैं। प्लस जैसे कि अगर आप यहाँ पे कैमरा यूज़ करते हैं तो आउटडोर में लाइक अगर आपने 10-15 मिनट कॉन्टिन्यूस कुछ फोटोज़ वीडियोस ली, उस वक्त आपको थोड़ी सी वार्निंग आ जाएगी कि फ़ोन स्लाइटली हीट हो गया है, कुछ फंक्शनलिटीज़ लाइक ऑटो फोकस और सारी चीज़ें थोड़ी सी डिसेबल हो जाती है फॉर द टाइम बीइंग, तो ये आपको प्रॉब्लम मिल सकती है। बाकी एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट गाइस मैं बात बता दूं, इवन दो ये फ़ोन 8 Gen 1 है जिसमें 5G आपका CPU है, बट ये फ़ोन इंडिया में 5G सपोर्ट नहीं कर रहा है। हमने यहाँ पे Jio और Airtel से ट्राई किया तो यहाँ पे 5G नेटवर्क
नहीं आएगा इंडिया में। मे बी कुछ फ्रीक्वेंसी बैंड की इश्यूज होगी, तो अगर आपके लिए 5G डील ब्रेकिंग है देन आई थिंक ये फ़ोन आपको सॉर्ट ऑफ डिसअपॉइंट कर सकता है। अगर आप वाईफाई पे रहते हैं या बेसिकली कॉल या मीडिया के लिए लेते हैं, आई थिंक 4G और वाईफाई आपके लिए इनफ है। तो इस कुटो को जो मुझे लगा मैंने आपको वो चीज़ बता दी है। ये फ़ोन कम्प्लीटली आपका स्टॉक फ़ोन है, सोनी का है, और ये फ़ोन आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉयड 12 से आया था। ऑलरेडी इस फ़ोन को आप देखोगे एंड्रॉयड 14 आ चुका है, और इस फ़ोन में आपको 3 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट मिलने वाला, यानी कि ये फ़ोन आपका एंड्रॉयड 15 तक जाएगा। और आप ये देखोगे इसमें अक्टूबर का सिक्योरिटी पैच भी है, तो सोनी अभी भी सॉफ्टवेयर के टर्म में आपको सही एक्सपीरियंस दे रही है। सोनी के फ़ोन इन जनरल देखा जाए तो दो चीज़ों के लिए ज़्यादा जाना जाता है। सबसे पहला तो आपको कैमरा होता है, बिकॉज सोनी के कैमरे से हम भी वीडियो बना रहे हैं और आप भी सोनी के फ़ोन देख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो अलग होता है सोनी का। अनलाइक दी अदर ट्रेडिशनल फोन्स के जहाँ पे एक सिंगल कैमरा एप्लीकेशन होता है, सोनी आपको बहुत सारे अलग कैमरा मोड्स देती है, बिकॉज वो जानते हैं कि जो सोनी के फ़ोन ले रहा है वो थोड़ा सा प्रो तो होगा। लाइक अगर आप स्टैंडर्ड लेना चाहते हैं तो आप फोटोज़ प्रो में जा सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा सा प्रो काम करना है तो वीडियो प्रो, सिनेमा प्रो, आप बहुत चीज़ें इसमें चेंज कर सकते हैं। प्लस यहाँ कुछ अदर कूल फीचर भी हैं गाइस, जैसे कि यहाँ पे जो आप फोकसिंग देखोगे, फोकसिंग बहुत ही तगड़ी है। ऑफकोर्स यहाँ पे आई ऑटो फोकस तो है ही है, लेकिन यहाँ पे आपको लाइव सब्जेक्ट ट्रैकिंग मिलता है। इसका फोकस सिस्टम देखोगे जस्ट लाइक DSLR फोन्स के होता है ना, लाइक एकदम सब्जेक्ट्स को ट्रैक करता रहता है। ट्रिपल 12MP कैमरा है, यहाँ पे कोई भी हाई मेगा पिक्सल जो आपको लेटेस्ट सोनी के सेंसर से मिलता है। अब देखो मैं कुछ खास आपको नहीं बता रहा हूँ ज़्यादा, मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो इस फोन में यूनिक ज़्यादा मिली। जैसे कि ऑफकोर्स आपने पहले के सोनी के फ़ोन के साथ में देखा, इस फ़ोन में आपको कॉन्टीन्यूअस ऑप्टिकल जूम का फीचर दिया जाता है, उस पर मैं आते हैं। फिलहाल हम मेन शॉट पे आ जाएं, जैसे कि मेन कैमरा सेंसर देखेंगे तो देखो शॉट सोनी के फ़ोन्स के आप देखोगे सोनी कैमरे के क्या होते हैं कि जनरली न्यूट्रल साइड में रहते हैं। तो प्रीवियस जितने हमने सोनी के फ़ोन ट्राई किए 1, 2, 3 मार्क सीरीज के, उनमें क्या था फोटो लाइक न्यूट्रल थी, बहुत ज़्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं थी, आप रेडी टू पोस्ट मान सकते थे बहुत सालों के लिए। बट इसमें जितने शॉट हमने लिए वो थोड़ा सा मोर न्यूट्रल है, आपको कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करके फोटोज़ को थोड़ा सा बूस्टेड और कंट्रास्टी बनाना पड़ेगा, तब आप फ़ोन को आज के मॉडर्न फ़ोन के लुकिंग के हिसाब से मान सकते हैं। ये मुझे इसमें प्रॉब्लम लगी मेन सेंसर में। बाकी देखो पोर्ट्रेट इफेक्ट सही आएगा, कुछ नहीं है, डायनेमिक रेंज भी एक्सेलेंट आएगी, कोई इश्यूज़ नहीं है, वो सारी चीज़ें अच्छी आएंगी। डिटेल्स थोड़ी सी आपको मिस लग सकती हैं, बिकॉज कोई भी हायर मेगापिक्सल नहीं है, क्योंकि आजकल के मॉडर्न फ़ोन मच मेगापिक्सल से मच डिटेल्स दिखा सकती हैं। इस फ़ोन में आपको कॉन्टीन्यूअस ऑप्टिकल जूम मिलता है, अभी भी स्मार्टफोन में आई थिंक आफ्टर दी लेजेंडरी नोकिया N93 कैमकॉर्डर फ़ोन एंड सोनी एक्सपीरिया के जूम, नॉट एक्सपीरिया, क्या बोल दिया मैंने यार, सोनी सैमसंग का के जूम, आफ्टर दैट एक्सपीरिया में ये कॉन्टीन्यूस जूम था। DSLR लाइक क्वालिटी आप साथ में देख ही रहे हो, तो मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लगा इस फ़ोन के ऑप्टिकल जूम की क्वालिटी में। अनलाइक जो प्रीवियस हमने ट्राई किया, जो शॉट्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं गाइस वो थोड़े से ना सॉफ्ट ज़्यादा लगे, उसमें शेडोज जैसे बढ़ी हुई लग रही थी, लाइक बहुत अपीलिंग लग नहीं रही थी। और अदरवाइज अल्ट्रा वाइड भी यहाँ पे सही है, आप शॉट अच्छे ले सकते हैं। अल्ट्रा वाइड तो मोस्ट ऑफ द फोन्स में भी लाइक 12 और 8 ही चलता है, तो वो यहाँ पे 12 के हिसाब से सही आ रही है। वीडियोस में देखो ये फ़ोन अभी भी आपका जलवेदार है, जैसे कि आपको मैं हाईलाइटिंग फीचर बता दूँ, इस फ़ोन में आपको 4K 120fps का फीचर मिलता है, जो कि इस साल iPhone 16 सीरीज में आया, 16 प्रो एंड प्रो मैक्स में आया, तो है ना 2 साल पहले सोनी ने ऑलरेडी वो टेक्नोलॉजी दे रखी थी। मैंने कुछ कंपैरिजन आपको दिखा दिया, अब ऐसा तो नहीं कि आप आईफोन से कंपेयर करके बाइंग डिसीजन बना सकते हैं, अब अंदाजा लगा लेंगे महंगे सस्ते में कितना रहा। तो वीडियोस इससे आप अच्छे बना सकते हैं, 4K आप ऑल सेंसर से बना लेंगे, ऑप्टिकल में, अल्ट्रा वाइड में, नॉर्मल में, सब कुछ तगड़े से आप इसमें कर सकते हैं। बाकी फ्रंट कैमरे में भी यहाँ पे अपग्रेड किया गया कंपेयर टू लास्ट ईयर के, अब यहाँ पे 8 के बजाय 12MP है, और आई थिंक गाइस वीडियोस इससे बहुत ही सही बन रहे हैं, सीरियसली लाइक जो मैं देख रहा हूँ, देखो स्किन टोन थोड़ा सा आपको चेंज दिखेगा, लेकिन जो कलर वलर आ रहा है एकदम मस्त आ रहा है। पीछे की लाइट आप देख सकते हो, नया सेटअप है बढ़िया वाला, और फ्रंट से आप 4K की वीडियो बना सकते हो। सेल्फी आपने देख ली, वो भी थोड़ी सी स्लाइटली ब्यूटीफाई, आई डोंट नो क्यों है, बट अच्छी, लेकिन वीडियोस अच्छे आ रहे हैं। फ्रंट से आप मज़ेदार 4K बना सकते हो, और इसका जो माइक क्वालिटी वो भी तगड़ी होगी, बिकॉज ये सारे सिस्टम इसमें बहुत ही सही मिलते हैं। इस फ़ोन में आपको ड्यूअल फ्रंट स्पीकर्स मिल रहे हैं, इस फ़ोन में आपको बहुत सारे साउंड सिस्टम का सपोर्ट मिलता है, जैसे कि आपको यहाँ पे डॉल्बी एटमोस का सपोर्ट मिला है, 360 डिग्री रियलिटी ऑडियो का सपोर्ट मिल रहा है। फ़ोन में आपको DSSE अल्टीमेट का सपोर्ट मिलता है, यानी कि जो कस्टम साउंड्स होते हैं ना, जैसे कि आपने कोई कंप्रेस्ड म्यूज़िक डाउनलोड की है,
और उसको आप सुन रहे हैं, तो वो आप एप्पल म्यूज़िक, नेटफ्लिक्स, प्राइम या जो भी आप चाहें तो ऐड करके उसको और बेटर इम्प्रूव कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे आपको डायनेमिक वाइब्रेशन फीडबैक मिलता है बेस्ड ऑन दी सॉन्ग, वो आपका चेंज करता रहेगा। मजेदार स्पीकर आपको मिलते हैं इस फोन में, बहुत ही तगड़े गए। इस फोन में ऑफ कोर्स आपको IP68 का सर्टिफिकेशन मिलेगा, NFC तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। नाउ व्हिच कम्स टू द फाइनल कंक्लूजन, कि आप फोन बाय करें या ना बाय करें और कहां से बाय करें। देखो सबसे पहली चीज, मैंने कहां से बाय की और मैंने क्यों बाय की। जैसे आपको स्टार्टिंग बताया था, ये फोन मुझे ऑफलाइन में अराउंड, जैसे ऑफलाइन में क्या होता है ना, फोन ले होगी रिफर्बिशमेंट के बहुत सारे होते हैं, स्टॉक होते हैं, एक एकदम न्यू चमचमाता फ़ोन होता है, A+ ग्रेड बोलते हैं वो लोग, एक होता है लाइक जैसे जो कुछ डेमो यूनिट्स होती है ना वहाँ से लिए होते हैं, जो कैरियर के होते हैं, जो मे बी स्प्रिंट तमाम के ना उनके शोज पे स्टोर पे होते हैं, तो कंडीशन वेरी करती है। तो ये फ़ोन आप ऑफलाइन में एस लो एस 20,000 में फेयर कंडीशन का पा सकते हैं, जिसमें कुछ हाँ हो सकता है डिस्प्ले में कुछ स्क्रैचेस हो, बॉडी वॉडी थोड़ी सी घिसी हो, डिस्प्ले बैक पैनल टूटा नहीं होगा, लेकिन यूसेज साइन आपको दिखाई पड़ जाएंगे। तो उस कंडीशन फोन आप में ये 20,000 का बाय कर सकते हैं, जो मैंने ऑफलाइन में देखा लाइक 22,000 का बता रहा था, अगर मैं पैर पकड़ के बैठ जाता तो 20,000 में दे देता। तो डिपेंड्स ऑन योर बार्गेनिंग स्किल, आप कितना उससे बार्गेन करवा सकते हैं। और आप जैसे कंडीशन बढ़ाते जाएंगे तो ऑफलाइन में आपको 30,000 में एकदम चमचमाती कंडीशन मिल जाएगा। मैंने इसको बाय किया था avantika.com से, बिकॉज वहाँ मुझे ये गुड कंडीशन का, थोड़े बड़े यूसेज मार्क हैं बट मुझे ये अच्छी कंडीशन में 25,000 का मिल गया। अब मैं ऑफलाइन से ऑनलाइन क्यों प्रेफर करता हूँ, देखो ऑफलाइन में क्या होता है ना, इस वारंटी नहीं मिलती है, आपने पैसा पे किया, आपने दुकान छोड़ा, दैट्स इट, कुछ होगा तो कहेगा भैया जहाँ से आया वहाँ से आप जाओ, जापान जाओ या कोरिया जाओ, वी डोंट केयर। ऑनलाइन से आप लेते हैं लाइक रिफर्बिश साइट जैसे वहाँ से लिया, तो वो आपको वारंटी सपोर्ट 3 महीना, 6 महीना, 1 साल तक का देते हैं, डिपेंड्स ऑन लाइक अदर वेरी करता है। अगर और अच्छी कंडीशन लेंगे आपको 30-35 का ही आसानी से मिल सकता है। तो गाइस ये रहा आज का ऑल दिस गोल्ड टैग, मैं बहुत एक्साइटेड था इस फोन के लिए बट कैमरे ने मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर दिया, विच मेक्स मी थिंक कि हम नेक्स्ट ईयर शायद एक्सपीरिया 1 Mark 5 ट्राई करें, या अगर वो पहले मिल जाता है तो हम उसको ट्राई कर लेते हैं। और आपके हिसाब से लगता है कोई और क्रेजी फोन है जो अभी भी हमें ट्राई करना चाहिए इस साल, 2-3 साल पुराना हो, 5G हो या कुछ भी, आपको लगता है कि हाँ ये फोन मेक सेंस करता है, बाय करो इसको और ट्राई करो, तो हम आपके लिए वो भी और ट्राई करेंगे और आपको बताएंगे वो फोन कैसा है। See you in the next video. Till then, have a great day and take care.